हूँ शुभ्रा, गांधी और आज। बापू को इस दुनिया से गए हुए 7 दशक से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन देखिए वो आज ऐसी रवायत बन चुके हैं जो हर विवाद के साथ और पुख्ता होती चली जाती है और हर लम्हा इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी कही हुई बातों पर अमल करना कितना ज़रूरी है। कहां खड़े हैं? क्या ये वो भारत है जिसकी कल्पना बापू ने की थी? आखिर क्या है आज के हालात और क्यों आज बापू को पढ़ना और सुनना जरूरी है, हम बताते हैं। वैष्णव जन तो देने गई है दे। उन्होंने एक ऐसे देश, उनकी राजनीति में एक ऐसा देश बनाने का कोशिश किया जहां धर्म कोई एक पर के दूसरे के ऊपर हावी नहीं होगा। पर दुखें उपकार करे तो ये का मेन ध्येय था कि सब रिलीजन, सारी कम्युनिटीज और सारे लोग आपस में मिलके एक शक्तिशाली देश का निर्माण करें। सकल लोकमा सौने वंदे। नॉन पजेशन के रूल में उन्होंने कहा है कि हमें उतनी ही वेल्थ या धन रखना चाहिए जितना हमारी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। वात काज मना। जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ की प्रजा है, वो तय करेगी और वो जो तय करेगी उसको कोई काट नहीं सकता। जाना जाना नी रे वैष्णव जन दो। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। आज जब देश में फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है, सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं, गोहत्या के नाम पर भीड़ तंत्र का शासन है, राजनीतिक दल मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में बापू और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 का दिन, दोपहर के 2 बजे थे। पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. उसी वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्य गांधी जी से मिलने पहुंचे, जो उस वक्त कोलकाता के हैदरी मंजिल में ठहरे थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। इस पर बापू ने कहा, मैं इस हर्षोल्लास में भाग नहीं ले सकता, मुझे इस बात का अफसोस है। भारतीय लोकतंत्र के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत बड़ा दिन था। उसी दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के एक प्रतिनिधि ने कोई संदेश टेलीकास्ट करने के लिए गांधी जी से आग्रह किया था। इस पर बापू ने संदेश पहुंचवाया, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ऐसा क्यों था कि जब पूरा देश अंग्रेजों से आजादी मिलने का जश्न मना रहा था तो वो शख्स जो आजादी के रथ को दिशा देकर यहां तक लाया था उसका दिल गमगीन था? दरअसल इस सवाल के पीछे का जवाब सीधा सा है। जिस सांप्रदायिकता के जहर से बापू जीवन भर लड़ते रहे, वो अब एक डर की जगह हिंसक हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। साल 1946 से लेकर 1947 का वक्त देश के लिए एक नाजुक दौर था। फिरका परस्ती की निर्मम तलवार ने समाज पर प्रहार कर समाज को बांट दिया था। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की पहली मार पश्चिम बंगाल के नोआखली पर पड़ी थी। नोआखली की हिंसा ने महात्मा गांधी की आत्मा को छलनी कर दिया था।
अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति सफल हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई उनकी दूसरी आखिरी मुलाकात में गांधी ने ये कहा भी था, उस वक्त हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए गांधी नोआखली जाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन बापू को कहा गया कि वहां जाना बेकार है। तब बापू ने कहा, मेरी अहिंसा लूले लगड़े की असहाय अहिंसा नहीं है, मेरी जीवंत अहिंसा की ये अग्नि परीक्षा है। मैं मर जाऊंगा पर वापस नहीं लौटूंगा। हिंसा की घटनाओं ने सांप्रदायिक सद्भाव के उनके सपने को चूर चूर कर दिया था, जिसे गांधी अपनी बड़ी हार की तरह देख रहे थे। गांधी जी बुनियादी तौर पर देश को एक होते देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसे सवाल जो देश को तोड़ने का कारण बन सकते हैं, उन पर बुनियादी समझ एक होनी चाहिए। इसीलिए सांप्रदायिक एकता के लिए वो ताजिंदगी कोशिशें करते रहे। आजकल के दो प्रमुख समुदायों को जोड़ने के लिए गांधी बहुत प्रयास करते हैं, कौमी एकता। जब वो एक रचनात्मक कार्यक्रम नाम की पुस्तिका लिखते हैं तो उसमें पहला ही अध्याय वो कौमी एकता का लिखते हैं। यंग इंडिया के 25 फरवरी 1925 के अंक में गांधी जी लिखते हैं, हिंदू और मुस्लिम एकता किस बात में निहित है और उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उत्तर सीधा सादा है, वह इस बात में निहित है कि हमारा एक समान उद्देश्य हो, एक समान लक्ष्य हो और समान सुख दुख हो। लेकिन देश एक बार फिर उन्हीं सवालों से दोचार हो रहा है जो गांधी जी के वक्त मौजूद थे। किसी के ऊपर हिंसा ना करना चाहते थे, ना करने देना चाहते थे, और गांधी जी का धर्म जहाँ राजनीति से था कि आप धर्म और राजनीति को बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हो और आप एक ऐसा देश बनाओ सबको इज्जत से बराबरी से जीने का सहारा। बेसिक बात आ जाएगी कि हम एक दूसरे का लिहाज करेंगे, एक दूसरे के प्रति उदार हो जाएंगे, तो फिर सांप्रदायिक सौहार्द अपने आप हो जाएगा। फिर वो पूरा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब मैं बात करना शुरू करूँ कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊँगा और आप कहेंगे कि मैं यहाँ मस्जिद बनाऊंगा, या मैं कोई कहेगा कि मैं यहाँ से प्रोसेशन ले जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करते हैं। गांधी कहते हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सेंसिटिव हूँ, मैं अपना प्रोसेशन नहीं निकालूँ, ठीक है, तो अपने आप सौहार्द होगा, फिर विवाद तो रहेगा नहीं। लेकिन आज़ादी के एक साल पहले से देश में जो हो रहा था वो गांधी जी की कल्पना से परे था। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस तो शांति से मनाया गया, लेकिन 27 अगस्त तक पंजाब और सिंध से आने वाली हिंसा की खबरों ने कोलकाता में भी सांप्रदायिक उफान ला दिया था। आखिरकार बापू के पास अब सिर्फ देह बची थी जिसे वो दांव पर लगा सकते थे। एक सितंबर 1947 को गांधी ने आमरण अनशन का फैसला किया। आजाद भारत में गांधी जी का यह पहला उपवास था। इतिहासकार बिपिन चंद्र के मुताबिक 1947 में अपने जन्मदिन पर एक शुभकामना संदेश के जवाब में महात्मा गांधी ने कहा था, मैं अब और जीने का इच्छुक नहीं हूं, मैं अब उस सर्वशक्तिमान से मदद मांगूंगा कि मुझे जंगली बन गए इंसानों द्वारा, चाहे वे अपने को मुसलमान कहने की जुर्रत करें या हिंदू या कुछ और, कत्लेआम किए जाने का असहाय दर्शक बनाने के बजाय आंसू के इस दरिया से उठा ले जाए। वहीं 20 जुलाई 1947 यानी आजादी से एक महीने पहले बापू ने जो कहा था उसके मायने बहुत गहरे थे। उन्होंने कहा था, जिस आजादी के लिए आप लड़ रहे थे वो तो मिल गई है, और राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी मिल जाएगी। ये सब होने पर भी मैं आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को खुशी नहीं मना सकता। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता, इसलिए मैं जाहिर बात कह रहा हूं, मगर मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि आप भी खुशी ना मनाएं। मेरी राय है कि वह दिन खुशी मनाने के लिए नहीं है। मैं तो उस दिन आजादी मिली समझूंगा जिस दिन हिंदू और मुसलमानों के दिलों की सफाई होगी। जाहिर है बापू की पीड़ा और सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस लगने के बीच की कड़ी को समझना मुश्किल नहीं।
तब से कई साल बीत गए, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर और गाढ़ा हो गया है। धार्मिक कट्टरता, गाय के नाम पर हिंसा जैसी वारदातों ने बता दिया है कि आजादी के वक्त का बीज अब पेड़ बन चुका है। यानी सांप्रदायिकता वही है, राजनीति के भड़काऊ मकसद वही हैं, महज लोगों के नाम और शरीर बदले हैं, पर मानसिकता और सोच वही है। अगर कुछ नहीं है तो गांधी और उनकी सोच। गांधी की हर सोच की मंजिल समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति था। उनकी हर बात में उसी आदमी की चिंता सबसे पहले होती थी। इसी सोच का सिरा उनके आर्थिक चिंतन का केंद्र बिंदु था। आज समाज में मुट्ठी भर लोगों के पास पूंजी है और ज़्यादातर लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जद्दोजहद कर रहे हैं। वाकई हम बापू की राह से भटक गए हैं। ऑक्सफैम 2019 की रिपोर्ट बताती है, भारत की 10% आबादी के पास देश की संपत्ति का 77.4% हिस्सा है। इनमें से महज 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 51.53% हिस्सा है। करीब 60% आबादी के पास देश की महज 4.8% संपत्ति है। देश के 9 अमीर लोगों की संपत्ति 50% आबादी की संपत्ति के बराबर है। साफ है कि देश में आर्थिक गैर बराबरी की खाई और चौड़ी होती जा रही है। गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर। 90 के बाद पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की सड़क पर जिस तरह पूंजीवादी व्यवस्था की गाड़ी लेकर दौड़ रही है, उस दौड़ में भारत जैसे देशों की हैसियत पिछलग्गू से कम नहीं। जाहिर है हमारे जैसे विकासशील देश की इकोनॉमी का पहिया अलग होकर सबसे पहले आर्थिक गैर बराबरी की खाई में गिरता है। ये आर्थिक गैर बराबरी पूंजीवादी व्यवस्था की पैदा की गई है और गांधी कैपिटलिज्म के इसी मूल यानी लालच के विरोधी थे। वो कहते थे, इस धरती पर मानव की जरूरत के मुताबिक प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, परंतु मानव के लालच के अनुरूप संसाधन नहीं है। महात्मा गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है नॉन पजेशन। नॉन पजेशन के रूल में उन्होंने कहा है कि हमें उतनी ही वेल्थ या धन रखना चाहिए जितना हमारी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। दरअसल गांधी की जीवन शैली दुनिया की सारी समस्याओं के हल की कोशिश है। इस कोशिश में गांधी ने वो सब करना चाहा जिसमें जीवन के तमाम रंगों पर केवल कुछ लोगों का हक न हो, बल्कि हाशिए पर खड़ा रहने वाला आखिरी आदमी भी ये समझ पाए कि जीवन क्या होता है। गांधी के ग्राम स्वराज को दुनिया में मौजूद तमाम दिक्कतों के हल के लिए एक बेहतर आर्थिक मॉडल कहा जाता है। यहाँ तक कि दुनिया भी अब ये मान रही है। अभी जो है, जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो माना हुआ बिजनेस स्कूल है पूरे दुनिया का, उन्होंने महात्मा गांधी जी को ये डिक्लेयर किया है कि महात्मा गांधी जी 20वीं शताब्दी के मैनेजमेंट गुरु हैं। गांधी कहते थे कि इकोनॉमी को नैतिक सोच से अलग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो हाशिए पर खड़ा सबसे आखिरी आदमी भी विकास की धारा के साथ रहेगा, वो अलग थलग नहीं पड़ेगा। गांधी की आर्थिक दृष्टि एक सहकारी जीवन की फिलॉसफी है जिसमें कोई किसी के शोषण के बगैर जी सके और काम कर सके। वही मशीनों को लेकर गांधी के विचार भी कम अहम नहीं है। बापू की नजर में मशीनें इंसानों के हाथों की कुशलता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए थी, जिससे कि काम और क्रिएटिव और मजेदार बन सके। उनका मानना था कि भारत गांव में बसता है, खेती उसका धर्म है, इसीलिए मशीनों को गांव और खेती का सहयोगी होना चाहिए, ना कि विरोधी। 1925 में यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा था, अगर मशीनों के जरिए पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है
और बड़ी आबादी का शोषण होता है तो यह स्थिति स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। फिर 1926 में उन्होंने लिखा, भाप और बिजली के यंत्रों का इस्तेमाल हमें सावधानी से करना होगा कि उद्योग हावी ना हो जाएं। हालांकि 30 के दशक में गांधी जी ने मशीनों की जरूरत की बात मानी, लेकिन उद्योगों को लेकर सावधानी बरतने की बात पर जोर दिया। हालांकि उनके जिस मॉडल को पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए था वो अपने ही देश में उपेक्षित रहा। गांधी के आर्थिक रास्ते पर ना चलने का नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत आर्थिक विकास दर की होड़ में फंसा हुआ है। गांधी के इस दर्शन को आज मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है, जहां सिर्फ जरूरत भर की ही भौतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जीडीपी और आर्थिक विषमता के जाल में फंसी इंसानी जिंदगी को गांधी के इसी मिनिमलिज्म से बचाया जा सकता है, जहां विकास सबका है, अमीर और गरीब के बीच खाई नहीं है, और अगर कुछ है तो वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता। कश्मीर के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे, ये जानना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। देश जिन हालातों से गुजर रहा है वो इसलिए क्योंकि गांधी जी की वैचारिक दिशा से हम बहुत दूर जा चुके हैं। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही है। वहां के महाराजा को यह सुझाने नहीं जा रहा हूं कि वो किसके साथ जाए, भारत में मिलें और पाकिस्तान में नहीं। इसका असल फैसला करने वाले कश्मीर के लोग हैं, कोई राजा या महाराजा नहीं। शासक तो बस उस जनता का सेवक भर है। कश्मीर के बारे में ये बात बापू ने 29 जुलाई 1947 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में कही थी। इसके एक दिन बाद यानी 30 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने अपने एक शुभचिंतक को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं कश्मीर दौरे पर जा रहा हूं पहली बार, कौन जाने ये आखिरी कश्मीर दौरा भी साबित हो। गांधी जी ठीक कह रहे थे, वो सचमुच उनका आखिरी कश्मीर दौरा था। गांधी जी 1 से 4 अगस्त तक कश्मीर दौरे पर थे। वो 1 अगस्त 1947 को कश्मीर गए। हालांकि उनके दौरे से पहले किसी ने उनसे पूछा कि क्या इतनी मुश्किल यात्रा करनी जरूरी है, जबकि वो महाराजा को चिट्ठी भी लिख सकते हैं। इस पर गांधी जी ने कहा था, हाँ फिर तो मुझे नोआखाली जाने की भी क्या जरूरत थी, वहां भी पत्र भेज सकता था, लेकिन भाई उससे काम नहीं बनता है। बापू के लिए कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं था, वो मानते थे कश्मीर के असली मालिक वहाँ के लोग हैं। गांधी जी वहाँ एक बात कहते हैं कि ना मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाए, ना मैं ये कहने आया हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। कश्मीर का क्या करना है ये यहाँ का राजा भी तय नहीं कर सकता, जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ की प्रजा है वो तय करेगी, और वो जो तय करेगी उसको कोई काट नहीं सकता। उम्र और सेहत की परवाह किए बगैर महात्मा गांधी रावलपिंडी के रास्ते श्रीनगर गए थे। उस वक्त पूरी घाटी उनके स्वागत को उमड़ पड़ी थी। जिस वक्त महात्मा गांधी कश्मीर पहुंचे वो भारत और कश्मीर दोनों के लिए नाजुक वक्त था। शेख अब्दुल्ला उस वक्त जेल में थे, वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कहा जाता है कि हरि सिंह और महारानी तारा देवी अपने बेटे कर्ण सिंह के साथ गांधी जी का स्वागत करने राजदरबार से बाहर तक आई थी। गांधीवादी विचारक अव्यक्त बीबीसी के लिए लिखे गए एक लेख में कहते हैं कि गांधी कश्मीरियों की इच्छा को कितना महत्व देते हैं वो उनके इसी बयान से पता चल जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था, कश्मीर की जनता से पूरी आजादी और आराम के साथ पूछा जाए, उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसके देहातों को जलाकर उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहां की प्रजा ये कहे,
भले ही वहां मुसलमानों की आबादी अधिक हो, कि उसको तो हिंदुस्तान की यूनियन में रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर पाकिस्तान के लोग उसे मजबूर करने के लिए वहां जाते हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को उन्हें रोकना चाहिए। अगर वह नहीं रोकती है, तो सारा का सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओढ़ना होगा। अगर यूनियन यानी भारत के लोग उसे मजबूर करने जाते हैं, तो उनको रोकना है और उनको रुक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। जाहिर है गांधी के जहन में जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता सबसे ऊपर थी। मैं ये कहूंगी कि आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूलें और महात्मा गांधी के जो विचार था कि सभी व्यक्तियों के अधिकार रहने चाहिए, सब लोगों के अधिकारों का हनन नहीं हो पर मिलकर समस्या का समाधान किया जाए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक सितंबर 1947 के आखिर तक महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया था। 3 सप्ताह बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी थी, जिसके खिलाफ शेख अब्दुल्ला लोगों को इकट्ठा करने में जुट गए थे। इस बीच बापू ने दिल्ली में 29 अक्टूबर 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में कहा, कश्मीर की सुरक्षा महाराजा द्वारा नहीं हो सकती। अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है, तो वो केवल मुस्लिम कश्मीरी पंडित, राजपूत और सिख हैं। गांधी के लिए कश्मीर का मतलब कश्मीर के लोग थे, उनकी भावनाएं थी। आज राजनेताओं को समझना होगा और देखना होगा कि बापू कश्मीर को कैसे देखते थे। कश्मीरियों को लेकर उनकी भावना को समझने की जरूरत आज वक्त का तकाजा है। गांधी, जिनका जीवन ही ऐसा था जिसके हर पहलू में एक वैचारिक ईमानदारी थी, दुनिया की कई महान शख्सियतों ने न सिर्फ उनके जीवन दर्शन को समझने की कोशिश की, बल्कि उसे एक रोशनी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके तले कई बड़े आंदोलन जमीन पर उतरे। बापू का व्यक्तित्व एक ऐसी चुंबक की तरह था जो उनके बारे में जानता था, खिंचा चला आता था। चाहे फिर वे वो लोग हों जो बापू के जीवन काल में मौजूद थे, या फिर वो जिन्होंने उनके जाने के बाद बापू के दर्शन को ही आदर्श मान लिया हो। सबसे पहले चार्ली चैपलिन के बारे में बताते हैं। इस तस्वीर में खिड़की से निहार रहे शख्स चार्ली चैपलिन हैं, जो बापू को देखने आई भीड़ को देखकर हैरान थे। गांधी जी गोल में सम्मेलन के लिए लंदन आए हुए थे। साल था 1931। इसी दौरान गांधी जी और अपने समय के महान कलाकार चार्ली चैपलिन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का जिक्र चैपलिन ने अपनी जीवनी में भी किया था। उन्होंने लिखा था कि जब गांधी पहुंचे और अपने पहनावे की तहें संभालते हुए टैक्सी से उतरे, तो स्वागत में भारी जयकारे गूंज उठे। ये तो हुई चार्ली चैपलिन के साथ मुलाकात की बात, लेकिन कम लोग ही ये जानते हैं कि गांधी जी उस दौरान बेहद कामयाब नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से भी मिले थे और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली थी। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे। आइंस्टीन ने गांधी को कहा था, पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल आ गया है। हालांकि ये अलग बात है कि दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। बापू के रास्ते पर चल अहिंसक आंदोलन करने वाले नेल्सन मंडेला के लिए भी गांधी प्रेरणा स्रोत थे। मंडेला ने गांधी को महान टीचर बताते हुए कहा था कि गांधी के विचार हमारे समय के नेताओं के लिए सबसे ज्ञानवान हैं। गांधी की राह पर चलने वालों में से एक बड़ा नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी है। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले मार्टिन कहते थे कि क्राइस्ट ने हमें लक्ष्य दिया है और महात्मा गांधी ने नीतियां। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का सिरा कई राजनेताओं ने पकड़ा। साल 2009 में उस वक्त के अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा एक स्कूल के दौरे पर थे। तब एक छात्र ने उनसे पूछा कि आप किस शख्स के साथ डिनर करना चाहेंगे। इस पर ओबामा ने जवाब दिया, वो शख्स गांधी हो सकते हैं, वही मेरे रियल हीरो हैं। गांधी सिर्फ भारत के नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के हैं और उसके गवाह हैं वो स्मारक, वो प्रतिमाएं
जो दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं। वो प्रतिमाएं हमें बताती हैं कि गांधी की सोच, उनके दर्शन को दुनिया एक ऐसी छाँव की तरह तलाशती है जिसके तले सुकून के कुछ पल बिताए जा सकते हैं। अपने चौड़े कंधों पर नाकामयाबी का बोझ उठाए गांधी की विरासत संघर्ष करती रहेगी जब तक हासिल न हो जाए बापू के सपनों का भारत।